हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम बात करेंगे सीरीज 56 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण हेतु उत्तरदायी कारण बताइए। भारत में नगरीकरण हेतु उत्तरदायी कारण 50 वर्ड्स, 5 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नगरीकरण हेतु उत्तरदायी कारण बताइए। तो भारत और राजस्थान दोनों में पूछा जा सकता है 50 वर्ड्स में 5 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं आंसर को हम किस तरह से लिखेंगे। भारत में नगरीकरण हेतु उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। फर्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, औद्योगिकीकरण, नगरीय आकर्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में रोजगार कम होते हैं, तो बहुत सारे लोग सक्षम होते हुए भी कुछ कमा नहीं पाते, बेरोजगार रहते हैं, तो रोजगार की तलाश में वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। और ग्रामीण में अधिकतर खेती में लगे होते हैं, तो खेती में घर के 5 लोग 6 लोग लगे होते हैं, जबकि जरूरत इतने लोगों की होती ही नहीं है। अगर कहीं और रोजगार अवेलेबल हो तो एक ही घर के कई सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है। औद्योगिकरण उद्योगों का लगातार बढ़ताकरण जो होता है वो भी एक इसका कारण है। नगरीय आकर्षण, इसके अलावा नगरों में नई नई चीज़ें अट्रैक्ट करती है, मॉल्स हो गए, शॉपिंग की बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसके अलावा फैक्ट्री वगैरह हो गई, हर जगह आकर्षण हमें देखने को मिलता है। कृषि का अलाभकारी होना, अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है कि कृषि बिल्कुल अलाभकारी साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि कई बार सूखा आ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है कहीं पर, कई बार फसल जो है वो चेपे की समस्या हो जाती है, या फिर कई बार पराली की समस्या। तो ग्रामीण एक तरह से कृषि जो है अलाभकारी साबित हो रही है। जितना प्रॉफिट कृषि से मिलना चाहिए उतना किसानों को नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो कृषि को छोड़कर अन्य रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं किसान। ओके, नेक्स्ट है लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या था कि लघु और कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित थे, सारे काम हाथ से किए जाते थे, लेकिन अब मशीनों ने जगह ले ली है, तो मशीनों के कारण क्या हो रहा है, लघु और कुटीर उद्योगों को काफ़ी चोट पहुंच रही है। इसके अलावा लोग जो है मशीनों से निर्मित चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों के उत्पादों को कम महत्व देते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति हो रही है, जिससे शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है परिवहन व संचार साधनों का विकास। परिवहन व संचार साधनों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में अधिक होता है, और जहाँ परिवहन व संचार साधनों का विकास होता है वहाँ ही बसावट ज़्यादा होती है, तो लोग बसावट के लिए क्या शहरों को और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नगरीकरण के लिए परिवहन व संचार साधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए परिवहन और संचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, ये सभी को पता ही है कि नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं है, गांव में सुविधाएं कम हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज़, आज के टाइम में इंटरनेट एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है, तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ गांव में नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, तो नेट जो है इंटरनेट प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है, तो बहुत सारे काम जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, बैंकिंग देख लीजिए, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना हो, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ वो ये भी गाँव में नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, जो कि हम परिवहन कर रहे थे, कई बार क्या होता है क्रॉप जो होती है किसानों की वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण खराब हो जाती है। एक तो आने जाने में तो है, प्लस में क्या होता है कि किसानों के पास फसल ज़्यादा हो गई लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण घर पर पड़ी पड़ी उनकी ख़राब हो गई, तो ये भी एक अलाभकारी साबित हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, आप और भी पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मुझे आप लोगों से एक बात और कन्फर्म करनी थी कि जो मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रही हूँ, क्या मैं ऐसे ही चलाती रहूँ? कल किसी भाई ने कमेंट करा कि आप है ना हैंड रिटन क्वेश्चन बनाइए और फिर उनको अपने हाथ से लिखिए। मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर ही है, मैं इनको फिर पीडीएफ में, यानी जो रीडेबल फॉर्मेट है आपको दिख रहा होगा ऐसे, उसको मैं कन्वर्ट करती हूँ। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ ताकि आप इजीली इसको देख पाएँ। अगर मैं मेरी लैंग्वेज में लिखूँगी तो हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए, फिर आप कमेंट्स करके पूछेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा एफर्ट डालकर, बल्कि मुझे तो लिखकर ज़्यादा लिखकर और उसको फोटो क्लिक करने में पीडीएफ
वीडियो रिकॉर्ड करने में ज़्यादा आसानी होगी, इसमें मुझे मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि मैं जिस तरह से वीडियो बना रही हूँ वो आपको रीडेबल हो, प्रॉपर जो है आपको देखने मिले, और आपको अगर अपना आंसर लिखना भी हो तो आप अच्छे से अपने उत्तर को लिख पाएँ। इसीलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ वीडियो, इसमें मुझे मेहनत भी लगती है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे सीरीज बना रही हूँ, अब तक की प्रीवियस जो मेरी 55 सीरीज आ चुकी है और आज 56 मैं बना रही हूँ, सेम फॉर्मेट में बना रही हूँ, तो मैं इसी फॉर्मेट में चलती रहूँ, या फिर जो एक भाई ने मुझे बताया है कि आप अपने हाथ से क्वेश्चन लिखिए और फिर उसका उत्तर लिखिए और फिर फोटो क्लिक करके मैं उसका जो है रिकॉर्डिंग करूँ, ताकि वो क्या लगेगा, ज़्यादा रिलायबल लगेगा और ज़्यादा रियल लगेगा, तो ये उनका कहना है। तो मैं आपसे राय जानना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरा मानना तो यही था अब तक मैं जो बना रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग बना रही थी, तो प्लीज़ आपका सजेशन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक भाई ने जो मुझे सजेशन दिया है वो भी, उनका भी मुझे इंपॉर्टेंट है, बट जो मेरे से चैनल से जो जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे तो कंफर्म कर लूँ कि जिस जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ उसका जो फॉर्मेट है, आप देख रहे होंगे ये प्रश्न मैं ऐसे लिखती हूँ, फिर उत्तर मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। और प्लस में अब जो भाई का सजेशन आया है कि मैं पहले हाथ से उत्तर लिखूं और फिर बनाऊं, तो ये भी मेरे हाथ से लिखे हुए उत्तर है, लेकिन मैं इनको कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, मैं वापस से कंफर्म कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे किस तरह से वीडियो बनाना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। एनीमिया, ये 20 वर्ड्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी दो नंबर में। रुधिर में लाल रुधिराणुओं, रेड प्लेटलेट, रेड लाल रुधिराणु या हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। अगर हम बोले रुधिर में क्या होता है, लाल रुधिराणु जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं। एक तरह से हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि ब्लड की कमी हो गई, उसमें रक्त की कमी हो गई, खून की कमी हो गई। खून की कमी नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या होता है, लाल रुधिराणु जो होते हैं यानी हीमोग्लोबिन, इसकी कमी हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो अब से आप क्या बोलेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो उसको एनीमिया बोलेंगे। रुधिर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़कर रुधिर व उत्तकों तक जाती है। ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो रुधिर और उत्तकों तक जाती है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर के उत्तकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन न मिलने पर अंग पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं और एनीमिया एक अनुवांशिक होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और अंग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, इसे हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रमुख अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी है, दो नंबर में लिखना है। आप इसका मैप बनाकर आंसर जरूर लिख कर आइए कि अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ स्थित है। तो कौन कौन सी है, घग्गर, काकनी, कांतली, साबी, मथा, मांडी, रूपनगढ़ अजमेर, घग्गर हनुमानगढ़, काकनी अजमेर, कांतली खंडेला, साबी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, आई थिंक साबी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बांडी लूणी नदी सहायक नदी है, तो ये कहाँ पर होगी, बाड़मेर के रीजन में हो गई, रूपनगढ़ अजमेर जैसे मैंने बताई दिया। ये साबी और मथा मुझे याद नहीं आ रही, आई थिंक जैसलमेर है क्या, कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रही है दोनों ये कहाँ की है। तो ये अब आप बना बना कर लिखे, इसके अलावा मैप में भी आप शो करके आइए कि घग्गर नदी कहाँ है, काकनी नदी कहाँ है, कांतली कहाँ है, बांडी, रूपनगढ़, ये सारी नदियाँ आप शो करके आइए मैप में। 20 वर्ड्स, दो नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक, वही दो नंबर में 20 वर्ड्स में। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये कौन सा है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो प्राणियों के रक्त व अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे हम पैराटेप कहते हैं, कहलाता नहीं, कहलाता है यहाँ पर। ओके, दोबारा से देख लेते हैं, प्रतिरक्षी को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, यानी अगर हमको इम्यूनोग्लोबिन भी पूछ रहा है तब भी हम यही आंसर लिख के आएंगे। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जो क्या होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो प्राणियों के रक्त और अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए, प्रतिजन यानी एंटीजन, प्रतिरक्षी क्या करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज पहचानने के लिए, प्लस में उसको निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से ही क्रिया करते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, जो प्रतिरक्षी का एक भाग होता है, उसका एक पार्ट होता है पैराटिप, वो क्या करता है, प्रतिजन एंटीजन से क्रिया करता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पैराटिप। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, आरएच कारक क्या है, इसके महत्व को समझाइए।
आरज कारक क्या है, इसके महत्व को समझाना है। ये 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। आरज कारक करीब 417 एमिनो अम्ल को एमिनो अम्ल का होगा यहाँ पे का। आरज कारक करीब 417 एमिनो अम्ल का एक प्रोटीन होता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 417 एमिनो अम्ल से, ठीक है, एक प्रोटीन बनता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, आरज कारक। ओके, जिसकी खोज मकाका रीसस नाम के बंदर में की गई थी। तो सबसे पहले खोज कहाँ की गई, रीसस नाम का, मकाका रीसस नाम का एक बंदर था, उसमें ही आरज कारक की खोज की गई। यह प्रोटीन मानव की रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है, मानव की जो रक्त कोशिकाएं होती है ब्लड सेल्स, उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है। रक्तदान करते समय आरज कारक का मिलान करना भी आवश्यक होता है। जब भी कभी ब्लड डोनेट करना हो, रक्तदान करना हो, तो आरज कारक का मिलान किया जाता है, आरज, क्योंकि यह मिलान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये मिलान नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, मतलब ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। यदि आरज पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ग्राही में आरएच कारक के विरुद्ध आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है। दोबारा देखते हैं कि यदि हम क्या करें, आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आरएच नेगेटिव, यानी अगर कोई बी पॉजिटिव है और उसको हम बी नेगेटिव ब्लड चढ़ा दें तो क्या होगा, ग्राही में आरएच कारक के विरुद्ध आईजीजी प्रतिरक्षित उत्पन्न हो जाती है, जो व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अगर हम आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आरएच नेगेटिव, ठीक है, आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का व्यक्ति हम किस में ट्रांसफर कर दें, आरएच नेगेटिव, यानी बी पॉजिटिव का वाला ब्लड जो है हम बी के नेगेटिव वाले के शरीर में अगर ट्रांसफर कर देंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है, प्रशासन में मूल्य से क्या तात्पर्य है, ये 50 वर्ड्स में कि मूल्य, प्रशासन में मूल्य कितना इंपॉर्टेंट है। 1968 में संपन्न मिनोब्रुक सम्मेलन का मुख्य नारा था कि प्रशासन मूल्योन्मुखी बने। प्रशासन में मूल्य से तात्पर्य पूर्वाग्रही प्रशासन से है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के उद्भूत सकारात्मक भेदभाव के अनुरूप है और इसे प्रशासन का एक आवश्यक अस्त्र भी मानता है, मिनोब्रुक सम्मेलन। अतः प्रशासन को कमजोर वर्गों के प्रति विशेष झुकाव रखना चाहिए, यही लोक कल्याणकारी राज्य की वास्तविक पहचान और आवश्यकता है। प्रशासन को जनता की आवश्यकता और पसंदानुसार प्राथमिकताएं तय करनी होगी, तभी कल्याण पर खर्च अनकल्याणकारी होगा। स्पष्ट है कि मूल्य का नारा व्यापक अर्थ वाला है और यह जिस संवेदनशील प्रशासन की मांग करता है उसे व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना एक चुनौती है। इस प्रकार नव लोक प्रशासन प्रबंधोन्मुखी लोक प्रशासन और मूल्य रहित राजनीतिक दृष्टिकोण दोनों को अस्वीकार करता है। वह लोक प्रशासन को निर्देशात्मक अनुशासनात्मक वैज्ञानिक भूमिका प्रदान करता है। मतलब अगर हम ओवरऑल बोले तो ओवरऑल इस तरह से हो गया कि प्रशासन में मूल्यों का समाहित होना चाहिए, इसमें कमजोर वर्ग है उसके लिए भी विशेष झुकाव होना चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जाने चाहिए जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की वास्तविक पहचान हमको मिल पाए। इसके अलावा जनता को अपनी आवश्यकताएँ और पसंदानुसार प्राथमिकताएँ उनको तय करने की आज़ादी होनी चाहिए, कल्याण पर कल्याणकारी खर्च होना चाहिए और मूल्य का व्यापक अर्थ ये हो गया कि संवेदनशील प्रशासन हो जो जनता की मांगों को स्वीकार करे, प्लस में उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान दें जिससे एक व्यवहारिक रूप से प्रशासन का निर्माण किया जाए। इसी तरह नव लोक प्रबंधन जो है वो प्रबंधोन्मुखी लोक प्रशासन को नहीं मानकर मूल्योन्मुखी, इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण को भी दूर करता है। मूल्योन्मुखी होना चाहिए नव लोक प्रशासन, क्योंकि मिनब्रुक सम्मेलन में यही हुआ कि नव लोक प्रशासन कैसा हुआ, मूल्य पर जोर दिया गया। वह लोक प्रशासन को निर्देशात्मक अनुशासनात्मक और वैज्ञानिक बनाना चाहता है। ओके, आई होप आज के प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और आपको प्रश्न भी पसंद आए होंगे, तो लाइक बटन दबा दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।